सो गाइस अब हम लोग देखते हैं बेसिक सम ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहां पर प्रोफार्मा रेडी करना होता है। तो बोर्ड के अंदर क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोफार्मा रेडी करने के लिए 5 मार्क्स के लिए सम आता है हमेशा। सो हमें प्रोफार्मा पता बनाने आना चाहिए। तो मैंने जनरल एक्सेप्टेंस का एक सम लिया है, उसी में मैं सारी चीजें बाद में क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस और क्या क्या चेंजेस करके आपको आ सकते हो सारी चीजें इसी के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। सो वेरी फर्स्ट थिंग, आपको प्रोफार्मा रेडी करना है तो पहले हम लोग सम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। फॉर्म द फॉलोइंग डिटेल्स, प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉज दिया है डॉक्टर मुकुंद देसाई नागपुर, ड्रॉई है मिस्टर योगेश तिलक पुणे। अमाउंट रुपीज 30,000, टेन्योर दिया है 90 डेज, टाइम पीरियड बताया 90 डेज, डेट ऑफ बिल 16 जुलाई 2019 एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 20 जुलाई 2019। पेई बताया गया हमें श्रवण दवे पनवेल, ठीक है। सो हमें पेई भी पता चल गया क्या है। अब इसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, अब हम लोग बनाएंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रोफार्मा बनाने के लिए आपको इस तरह स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर आप बनाएंगे अपने जब टेक्स्ट बुक में, अपने नोटबुक में जब बना रहे हो, तो स्क्वायर को आप नीचे के प्लेस में एक बार मार्किंग नहीं करनी है, और आपको करना है यूज पेंसिल एंड स्केल, तो आपको अच्छा प्रोफार्मा, अच्छा फॉर्मेट बनेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के मिडल में आपको लिखना होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और यहाँ पर आप स्टैम्प के लिए जगह छोड़ते हो सबसे पहले, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैम्प, लिखना है आपको अंदर स्टैम्प ऐसा क्लियरली हमेशा। यहाँ पे आप अमाउंट के लिए जो बना रहे हो उसके अंदर आपको अमाउंट वर्ड यूज नहीं करना है, आप इस तरह से रुपीज एंड 30,000 ये आप लिखोगे और ऐसे कर दोगे जैसे आप चेक पे करते हो ना नॉर्मली, वैसे ही सेम ये करना है। इस तरह से आपको चेकिंग और बॉक्स बना के करना है, इजीली दिखने में बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट में, इस तरफ होता है ड्रॉअर का नाम और एड्रेस। सो ड्रॉअर का नाम क्या है, मिस डॉक्टर मुकुंद देसाई नागपुर। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर मुकुंद देसाई और ब्रैकेट और यहाँ पे लिखेंगे नागपुर, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे ड्रॉ ड्रॉ ये वर्ड पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कहीं भी यूज नहीं करना, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। डॉक्टर मुकुंद देसाई नागपुर, इसके बाद क्या होता है डेट ऑफ बिल होता है, डेट ऑफ बिल क्या है 16 जुलाई 2019। सो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डेट 16 जुलाई 2019, ठीक है। इस तरह से इतनी एंट्री हमारी हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखते आगे का फॉर्मेट। तो आगे बॉडी टेक्स्ट आ गया जो एकदम फिक्स होता है वो। सो स्टार्ट कैसे होता है बॉडी टेक्स्ट, टेन्योर के साथ, टाइम पीरियड के साथ स्टार्ट होता है। टाइम पीरियड क्या है 90 डेज। सो यहाँ पे आप लिखोगे 90 डेज आफ्टर डेट पे टू, पे टू किसको पे करना है, तो ड्रॉअर्स को पे करते हैं अगर पेई की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बट यहाँ पर पेई है श्रवण दवे पनवेल, तो पेई है, तो हम लोग क्या करेंगे पेई का नाम लिखेंगे। अगर पेई का नाम नहीं होता सम के अंदर कहीं भी, तो हम लोग क्या कहते हैं पे टू मी और माई ऑर्डर, मतलब डॉक्टर मुकुंद देसाई खुद ही पेई होते, ठीक है। बट यहाँ पे पेई है तो पे टू श्रवण दवे पनवेल, पे टू श्रवण दवे पनवेल और हीज ऑर्डर, हीज मीन्स श्रवण दवे जो है वो इनका जेंडर मेल है, श्रवण नाम है इसलिए, तो और हीज ऑर्डर हमने ले लिया, और हीज ऑर्डर फॉर द सम ऑफ रुपीज 30,000 का है, तो फॉर द सम ऑफ रुपीज 30,000 रुपीज आपको आगे नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी रुपीज यहाँ लिखा हुआ है, तो उसके आगे और रुपीज नहीं लिखना है 30,000। सो सम ऑफ रुपीज 30,000 ओनली, ओनली वर्ड यूज होता है, चेक भी आप बनाते होंगे तो आपको पता होगा ओनली वर्ड यूज होता है ना। सो ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। इस तरह से ये आपका बॉडी टेक्सचर पार्ट हो गया, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के इंटरनल बॉडी टेक्स पार्ट होता है वो हो गया। पूरे ध्यान से आपको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद क्या होता है यहाँ पर आता है ड्रॉअर का साइन, तो ही बिल ड्राफ्ट जो है वो सही गिना जाएगा। साइन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एसडी यूज करते हैं, एसडी यूज कर लिया मैंने, और यहाँ पर आएगा डॉक्टर मुकुंद देसाई। इस तरह से ये साइन हो गया मुकुंद देसाई का। इसके बाद ये बिल किसको भेज रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन आती है। इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे ये टू मैंने ले लिया, टू में ड्रॉई का नाम आता है, ड्रॉई है मिस्टर योगेश तिलक पुणे, तो यहाँ पर आ जाएगा
मिस्टर योगेश तिलक पुणे। इतनी इन्फॉर्मेशन है ड्राइंग के लिए, जितना एड्रेस दिया पूरा पूरा एड्रेस हमेशा आपको लिखना है। हाँ यहाँ पर जितना एड्रेस हमें दिया रहेगा पूरा पूरा एड्रेस लिखना है यहाँ भी, और ड्रॉअर के लिए भी, सबके लिए पूरा पूरा एड्रेस मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्टेंस का आना है, तो इसके आगे एक्सेप्टेंस वाला आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा एक्सेप्टेड, फिर से साइन रहेगा एक्सेप्ट जिसने किया, यानी ड्रॉई का नाम यहाँ पे डाल देना है। ये साइन है मिस्टर योगेश का, मिस्टर योगेश तिलक का साइन है, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हमें डाल देनी है। पहले हमने जो डाली वो बिल की डेट है, वो ऊपर डाल दी डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस यहां पर आएगी 20 जुलाई, इस तरह से एकदम प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ बहुत अच्छे से लिख के बनाना है, ताकि आपका जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मार्क्स जो है 5 मार्क्स पूरे पूरे आपको मिले। ठीक है, अब ये सारी चीजें हुई जनरल एक्सेप्टेंस की, जहां पर पूरा पूरा जो बिल था वो जनरल एक्सेप्टेड है, मतलब जैसा है वैसे के वैसे ही पार्टी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब एक चांस ये हो सकता है कि ड्रॉई और ड्रॉअर और पे ही सेम रहेंगे, तो सिर्फ यहाँ पे टू मी और माई ऑर्डर है, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में एक और चीज आ जाती है कि आपको अमाउंट दे दिया गया, मानिए 30,000 है, तो अमाउंट आप क्या है 29,000 के लिए एक्सेप्ट कर रहे, तो आप क्या करोगे, एक्सेप्टेड फॉर ₹29,000 ओनली, ये आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। ठीक है, और इसको इस तरह से कर देंगे एक्सेप्टेड फॉर ₹29,000 ओनली, आप इसको इस तरह से बीच में लिखेंगे, और उसके नीचे फॉर्मेटिंग के साथ, प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ होगा, मैंने बाद में लिखा इसलिए। तो अगर आपने एक्सेप्ट किया है 29,000 ओनली के लिए, तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी कहीं कुछ चेंज नहीं होगा। अमाउंट 30,000 30,000 सब कुछ जैसे, या 90 डेज अगर मान लीजिए 100 डेज के लिए एक्सेप्ट किया है, तो एक्सेप्टेड फॉर 100 डेज यहाँ पे ये आना चाहिए, बाकी कहीं कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होगी तो एक्सेप्टेड के आगे ही सारी चीजें चेंज होने वाली है, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी सम में आपको टेन्योर नहीं दिया होता, टर्म पीरियड नहीं दिया होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, बेसिक पार्ट में बताया कि टेन्योर जो है वो बहुत कंपलसरी पार्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, लेकिन आज जो है न्यू ट्रेंड आया है मार्केट में, उसमें क्या होता है टेन्योर नहीं भी होता है। तो आप ये मत समझना टेन्योर कभी आपको सम में नहीं दिया है तो मतलब वो बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है, तो हम लोग सॉल्व कर लेते जैसे हम लोग करते वैसे ही, और हमारा पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। टेन्योर अगर नहीं दिया है तो यानी कि वो सम जो है, टेन्योर नहीं दिया है तो वो ऑन डिमांड बिल है। ऑन डिमांड बिल में टेन्योर नहीं होता, ऑन डिमांड बिल में क्या होता है कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता है, हम लोग जब बिल सामने वाली पार्टी के पास लेके जाएंगे उसे पेमेंट करना है। सो ऐसे में जब टेन्योर नहीं दिया है तो टेन्योर पीरियड और साथ में आफ्टर डेट जो लिखा है, ये सेंटेंस पूरा पूरा जो मैंने मार्किंग किया है, ये पूरा जगह नहीं होता, इसके जगह पे सिर्फ ये आता है ऑन डिमांड। ठीक है, मतलब टेन्योर नहीं दिया है तो आप इसे ऑन डिमांड बिल बोलेंगे, और ऑन डिमांड आप इस यहाँ पे लिखेंगे जब टेन्योर पीरियड नहीं दिया है। कभी कभी क्या होता है, हमें सम के अंदर आफ्टर डेट की जगह पे आफ्टर साइड भी होता है, सो आफ्टर साइड दिया है तो आफ्टर डेट की जगह पे आफ्टर साइड यूज करना। आफ्टर डेट हमें कभी नहीं देंगे, अगर नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज है सो नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आफ्टर डेट ही है, सब कुछ वही रहेगा। बट अगर कभी कभी क्या होता है आफ्टर साइड बिल आता है, आफ्टर साइड बिल में यहाँ पे आफ्टर डेट की जगह पे आफ्टर साइड यूज होगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। छोटे छोटे चेंजेस के साथ पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेम होता है। टेन्योर बिना भी आया तो आपको ऑन डिमांड लिखना है पूरा पार्ट हटा के। ठीक है, सो इस तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉपर फॉर्मेटिंग पार्ट हमने कंप्लीट किया। अगर आप इसे पूरा अच्छे प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाएंगे, पूरा पूरा मार्क्स आपको इसमें मिलेगा।